नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बिहार में 25 मार्च से ही सांप्रदायिक तनाव का माहौल है। 6 जिले इसकी चपेट में हैं। सीएम नीतीश कुमार 25 मार्च के बाद से इन घटनाओं पर मुंह बंद किए हुए हैं। हिंसा की वजह से नीतीश की सेक्युलर छवि को लेकर सवाल उठ रहे थे और उसका जवाब देने के लिए नीतीश ने आज हनुमान जयंती का दिन चुना। टोपी पहनकर नीतीश आज पटना की एक दरगाह में पहुंचे, जहां बिहार में शांति के लिए उन्होंने दुआ मांगी। बीजेपी के साथ रहते हुए भी खुद को सेक्युलर साबित करने के लिए नीतीश ने हजरत मखदूम शाह की दरगाह के 254वें सालाना सवाल यह है कि क्या नीतीश के टोपी पहन लेने से बिहार में कानून व्यवस्था काबू में आ जाएगी, या फिर नीतीश ने टोपी पहनकर बीजेपी को अलर्ट मोड में डाल दिया है। बिहार के 6 जिले हिंसा की चपेट में हैं। नीतीश दरगाह में चादर चढ़ा रहे हैं। बुद्ध की अहिंसा वाली धरती जल रही है। नीतीश मजार में दुआ मांग रहे हैं। दंगों से 10 दिन से जूझ रहा है बिहार। और आज नीतीश हाथ जोड़ते सामने आए। बिहार की ये दो तस्वीरें अहिंसा की इस धरती पर हिंसा और सियासत की कहानी बयां कर रही हैं। पहले देखिए किस तरह दंगों पर 2 हफ्ते से मौन व्रत लेकर बैठे नीतीश आज पटना में खानकाह मुन्ने मियां मजार पहुंचे। नीतीश के सिर पर इस्लामी टोपी और हाथ में मजार पर चढ़ाने के लिए चादर है। मौलवी के साथ नीतीश मजार में आगे बढ़ते हैं। पहले चादर चढ़ाई और फिर फूल चढ़ाने की रस्म पूरी की। फिर शुरू हुआ दुआ मांगने का सिलसिला। लोगों के साथ न्याय किया है। आज मुख्यमंत्री इसलिए आए हैं कि वो अपने प्रांत के लिए, इस बिहार के लिए दुआ करें। कौन बिहार जो हमेशा मार्गदर्शन करता रहा है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि राज्य की तकदीर और राज्य की तस्वीर को बिगाड़ दें। हजरत दुआ कीजिए कि मुख्यमंत्री की जो सार्थक कोशिशें हैं उसका सार्थक परिणाम भी निकले। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार में कोई ऐसा ग्रुप नहीं हो, कोई ऐसा सेक्शन नहीं हो जो ऐसा महसूस करे कि हमको छोड़ दिया गया है, हमको वंचित कर दिया गया है। बिहार की धरती पर जली हिंसा की आग को रोकने के लिए मजार पर दुआ मांगना कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश की हफ्ते भर बाद नींद खुली और हनुमान जयंती के दिन वो दरगाह जाकर दुआ मांग रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। वैसे भी टोपी की राजनीति देश में हमेशा चर्चा और विवादों का विषय रही। पीएम मोदी ने सीएम रहते मंच पर टोपी पहनने से इनकार किया तो देश भर में उसकी चर्चा हुई। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता इस तरह टोपी लगाए दिखते हैं तो बीजेपी सहित हिंदुवादी समेत नेताओं को मिर्ची लग जाती है। अब नीतीश की टोपी पर मिर्ची लगती है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन नीतीश की इस टोपी में एक बड़ा संदेश जरूर छुपा है और वो संदेश है सेक्युलर होने का और सेक्युलर कहलाने का। सवाल यह है कि बिहार में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को नुकसान हुआ, ऐसे में नीतीश कुमार शांति की दुआ के लिए मजार पर ही क्यों गए?
मुखिया नीतीश ने खुद की सेक्युलर छवि दिखाने के लिए मजार पर जाना उचित समझा? क्या नीतीश सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं? हफ्ते भर से बिहार की खबर गर्म है। 25 तारीख से दंगे हुए, नीतीश कुमार ने दंगों पर एक शब्द नहीं कहा। आरोप लग रहे थे कि नीतीश की सेक्युलर छवि बीजेपी के साथ जाने से बदल गई, तो क्या इस बार नीतीश ने बीजेपी को जवाब देने के लिए टोपी पहनी और बाजार पर जाकर शांति की दुआ मांगी? मुख्यमंत्री जब दुआ मांगते हैं तो वो अकेले दुआ नहीं करते, वो पूरे प्रांत के लिए करते हैं। बिहार एक ऐसा प्रांत है कि जब ये अच्छा होगा तो भारत को एक अच्छा पैगाम जाएगा। कुछ लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, धर्म भक्ति सिखाता है और भक्ति और भक्षण में अंतर है। जो लोग धर्म का नाम लेकर अधर्म कर रहे हैं, उनके लिए हम सबकी दुआ है कि वो फिर से धर्म के मर्म को समझे और वो ये समझ के काम करें कि हम अगर धार्मिक है तो मेरा काम प्यार बांटना है। शायद दंगा रोकने के लिए नीतीश व्यवस्था दुरुस्त करने की बजाय दुआ में ज्यादा यकीन रख रहे हैं। यही वजह है कि विरोधियों को निशाना साधने का मौका मिल गया। लगातार ये जो नुकसान हो रहा है, ये अल्टीमेटली देखा जाए तो नौजवानों का नुकसान हो रहा है और बिहार का नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान के लिए मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है कि आ करके अपील कर दें कि भाई भाईचारा का माहौल बनाए रखें, या जो अपराधी तत्व जो बाहर के जो शरारती तत्व जो घुस करके जो हिंसा भड़काने का काम करे उस पर कोई एक्शन ले सके। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही स्ट्रांगली। हमको बंद करके भाजपा पूरे बिहार में उपद्रव, दंगा फसाद और नीतीश कुमार फिनिश हो गया, एकदम उसका कुछ नहीं चल रहा है और पूरा भाजपा बिहार में आग लगाए हुए। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ जब रामनवमी के मौके पर दंगों का रावण सामने आया है। नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, ना वो बीजेपी पर खुलकर बोल रहे हैं और ना ही दंगों पर। 17 मार्च को भागलपुर में बिना परमिशन के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर हिंसा भड़क गई। औरंगाबाद में 25 मार्च को रामनवमी का जुलूस एक धर्म विशेष के मोहल्ले से गुजरा तो 2 दिन तक हिंसा हुई। 27 मार्च को समस्तीपुर के रोसड़ा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर कुछ आपत्तिजनक चीजें फेंकी गई, जिसके बाद बवाल हुआ। 27 मार्च को ही मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। 28 मार्च को ही नालंदा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हंगामा हुआ, फिर 2 समुदाय भिड़ गए। परसों नवादा में बजरंग बली की मूर्ति तोड़े जाने के बाद झड़प हुई। इसलिए एबीपी न्यूज की अपील है कि वोट की राजनीति अपनी जगह है, पहले समाज को बटने से रोकिए, प्रशासन को दुरुस्त कीजिए, दंगाइयों को काबू में करिए, क्योंकि समाज बचेगा तब प्रदेश बचेगा, प्रदेश बचेगा तब देश बचेगा, और देश को ऐसी ताकतों से बचाना है। दंगाइयों की दलील से बचिए और सबको बचाइए। बिहार के 6 जिले हिंसा की चपेट में है। नीतीश दरगाह में चादर चढ़ा रहे हैं। बुद्ध की अहिंसा वाली धरती जल रही है। नीतीश मजार में दुआ मांग रहे हैं। दंगों से 10 दिन से जूझ रहा है बिहार। और आज नीतीश हाथ जोड़ते सामने आए। बिहार की ये 2 तस्वीरें अहिंसा की इस धरती पर हिंसा और सियासत की कहानी बयां कर रही हैं। पहले देखिए किस तरह दंगों पर 2 हफ्ते से मौन व्रत लेकर बैठे नीतीश आज पटना में
खान का मुन्ने मियां मजार पहुंचे। नीतीश के सिर पर इस्लामी टोपी और हाथ में मजार पर चढ़ाने के लिए चादर है। मौलवी के साथ नीतीश मजार में आगे बढ़ते हैं। पहले चादर चढ़ाई और फिर फूल चढ़ाने की रस्म पूरी की। फिर शुरू हुआ दुआ मांगने का सिलसिला। लोगों के साथ न्याय किया है। आज मुख्यमंत्री इसलिए आए हैं कि वो अपने प्रांत के लिए, इस बिहार के लिए दुआ करें। कौन बिहार जो हमेशा मार्गदर्शन करता रहा है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि राज्य की तकदीर और राज्य की तस्वीर को बिगाड़ दें। हजरत दुआ कीजिए कि मुख्यमंत्री की जो सार्थक कोशिशें हैं उसका सार्थक परिणाम भी निकले। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार में कोई ऐसा ग्रुप नहीं हो, कोई ऐसा सेक्शन नहीं हो जो ऐसा महसूस करे कि हमको छोड़ दिया गया है, हमको वंचित कर दिया गया है। बिहार की धरती पर जली हिंसा की आग को रोकने के लिए मजार पर दुआ मांगना कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश की हफ्ते भर बाद नींद खुली और हनुमान जयंती के दिन वो दरगाह जाकर दुआ मांग रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। वैसे भी टोपी की राजनीति देश में हमेशा चर्चा और विवादों का विषय रही। पीएम मोदी ने सीएम रहते मंच पर टोपी पहनने से इनकार किया तो देश भर में उसकी चर्चा हुई। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता इस तरह टोपी लगाए दिखते हैं तो बीजेपी सहित हिंदुवादी समेत नेताओं को मिर्ची लग जाती है। अब नीतीश की टोपी पर मिर्ची लगती है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन नीतीश की इस टोपी में एक बड़ा संदेश जरूर छिपा है और वो संदेश है सेक्युलर होने का और सेक्युलर कहलाने का। सवाल यह है कि बिहार में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को नुकसान हुआ, ऐसे में नीतीश कुमार शांति की दुआ के लिए मजार पर ही क्यों गए? क्या नीतीश ने खुद की सेक्युलर छवि दिखाने के लिए मजार पर जाना उचित समझा? क्या नीतीश सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं? हफ्ते भर से बिहार की खबर गर्म है। 25 तारीख से दंगे हुए, नीतीश कुमार ने दंगों पर एक शब्द नहीं कहा। आरोप लग रहे थे कि नीतीश की सेक्युलर छवि बीजेपी के साथ जाने से बदल गई, तो क्या इस बार नीतीश ने बीजेपी को जवाब देने के लिए टोपी पहनी और मजार पर जाकर शांति की दुआ मांगी? मुख्यमंत्री जब दुआ मांगते हैं तो वो अकेले दुआ नहीं करते, वो पूरे प्रांत के लिए करते हैं। और बिहार तो एक ऐसा प्रांत है कि जब ये अच्छा होगा तो भारत को एक अच्छा पैगाम जाएगा। कुछ लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। धर्म भक्ति सिखाता है और भक्ति और भक्षण में अंतर है। जो लोग धर्म का नाम लेकर अधर्म कर रहे हैं उनके लिए हम सबकी दुआ है कि वो फिर से धर्म के मर्म को समझे और वो ये समझ के काम करें कि हम अगर धार्मिक हैं तो मेरा काम प्यार बांटना है। शायद दंगा रोकने के लिए नीतीश व्यवस्था दुरुस्त करने की बजाय दुआ में ज्यादा यकीन रख रहे हैं। यही वजह है कि विरोधियों को निशाना साधने का मौका मिल गया। लगातार ये जो नुकसान हो रहा है ये अल्टीमेटली देखा जाए तो नौजवानों का नुकसान हो रहा है और बिहार का नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान के लिए मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है कि आ करके अपील कर दें कि भाई भाईचारा का माहौल बनाए रखें, या जो अपराधी तत्व जो बाहर के जो शरारती तत्व जो घुस करके जो हिंसा भड़काने का काम करे उस पर कोई एक्शन ले सके। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही स्ट्रांगली। हमको बंद करके भाजपा पूरे बिहार में उपद्रव दंगा फसाद और नीतीश कुमार फिनिश हो गया, एकदम उसका कुछ नहीं चल रहा है। अब पूरा भाजपा बिहार में आग लगाए हुए। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ जब रामनवमी के मौके पर दंगों का रावण सामने आया है। नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, ना वो बीजेपी पर खुलकर बोल रहे हैं और ना ही दंगों पर।
17 मार्च को भागलपुर में बिना परमिशन के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर हिंसा भड़क गई। औरंगाबाद में 25 मार्च को रामनवमी का जुलूस एक धर्म विशेष के मोहल्ले से गुजरा तो 2 दिन तक हिंसा हुई। 27 मार्च को समस्तीपुर के रोसड़ा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर कुछ आपत्तिजनक चीजें फेंकी गई, जिसके बाद बवाल हुआ। 27 मार्च को ही मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। 28 मार्च को ही नालंदा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हंगामा हुआ, फिर दो समुदाय भिड़ गए। परसों नवादा में बजरंग बली की मूर्ति तोड़े जाने के बाद झड़प हुई। इसलिए एबीपी न्यूज की अपील है कि वोट की राजनीति अपनी जगह है, पहले समाज को बटने से रोकिए, प्रशासन को दुरुस्त कीजिए, दंगाइयों को काबू में करिए, क्योंकि समाज बचेगा तब प्रदेश बचेगा, प्रदेश बचेगा तब देश बचेगा, और देश को ऐसी ताकतों से बचाना है। दंगाइयों की दलील से बचिए और सबको बचाइए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज़ इंडिया, न्यूज़ बियॉन्ड पॉलिटिक्स।